जनपद में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जहां जिला प्रशासन लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत सामग्री मुहैया करा रहा है, वहीं सुरक्षा के दृष्टिगत तो पुलिस विभाग भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर लोगों को सुरक्षा का एहसास भी दिला रही है। जिसके तहत एसपी सिटी सोनम कुमार ने एएसपी राहुल भाटी के संग शुक्रवार को जनपद के झंघा, चौरी चौरा और महसरा क्षेत्र में जाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों से वार्ता कर उन्हें सुरक्षा का एहसास भी दिलाया। जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि जनपद के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सुविधा के साथ सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया गया है तथा पुलिस भी वॉलंटियर बनकर कार्य कर रही है और उन्हें हर संभव मदद भी की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, वीडियो इसको बनाएंगे इससे या दबाव जैसे यहाँ पानी ज़्यादा है तो पूरा वहाँ वहाँ तक डाल देते हैं। आप अभी तरफ से खाली अरे साहब सिंचाई विभाग से आया है क्या होता है सैंड के पार्टिकल उसमें अटक जाते हैं और क्लियर वाटर आने लगता है, फिर उसके पीछे जो है जितने भी सॉइल पार्टिकल हैं वो उसको फिल कर देते हैं। ये बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया गया था मेरे द्वारा, एसपी साहब के द्वारा और जो कैंपरगंज भी थे और अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ में और जो भी फंसे हुए लोग थे उनसे बातचीत की गई, उनकी समस्याएं समझी गई, उन्हें भोजन पॉलिथीन वगैरह वितरित किया गया। इसके अतिरिक्त जहाँ रिसाव की समस्या है वहाँ पुलिस भी श्रमदान करेगी और जो भी बोरे में सीमेंट बालू और कंकड़ वगैरह डाल करके गिट्टी वगैरह डाल करके रिसाव को रोकने की जो भी समस्या आएगी वहाँ पुलिस के जवान स्वयं जाएंगे और लोगों की मदद करेंगे।